कुछ नई योजनाएं आने वाली हैं आपके माध्यम से? जी, हमारे प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान क्रियान्वित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस संबंध में हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी और पूरे ज़िले में अच्छा काम कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोग तीन चार प्रकार से काम कर रहे हैं। एक तो जो वाटरशेड वाली पंचायतें हैं वहाँ पर हम लोग बड़े प्लांटेशन ले रहे हैं और इस प्लांटेशन में उनकी सुरक्षा की, इरिगेशन की, उसमें किस प्रकार की प्रजाति का चयन हो रहा है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि हम लोग फोकस कर रहे हैं फलदार पेड़ों की ओर और फलदार में भी हम लोग वो प्रजातियां ले रहे हैं जिससे कि जल्दी जल्द समय में हमें आय जनरेशन हो। इसमें जो टारगेट हमने करा हुआ है वो ये है कि हर 1,000 पेड़ के ऊपर हम लोग 1,00,000 की आय ले सके, उस प्रकार से कार्य योजना बनाई जा रही है। तो उससे पेड़ लगाने से हमें जो पर्यावरण के लाभ हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो आत्मनिर्भर पंचायतें बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसमें भी बहुत फ़ायदा होगा। तो पहला हम लोग वाटरशेड के मान से कर रहे थे जिसका मैंने बताया, दूसरा हम लोग नरेगा के थ्रू हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, ये लगभग हर ग्राम और हर ग्राम पंचायतों में लिया जा रहा है, और तीसरा यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट के साथ में समेकित रूप से प्रयास कर रहे हैं जिसमें हम लोग वाणिज्य वानिकी विस्तार योजना है उसके अंतर्गत हम लोग कुछ रेवेन्यू एरियाज में फॉरेस्ट के थ्रू प्लांटेशन कर रहे हैं। ये अच्छी गुणवत्ता के और अच्छी सुरक्षा के साथ में, पानी की व्यवस्था के साथ में, जैसे कि हम लोग का उसमें सोलर पंप इत्यादि लगाने का भी प्रयास रहेगा, अन्य फेंसिंग की बेहतर व्यवस्था रहेगी और इसको स्मृति वन के रूप में भी डेवलप करके हमारा प्रयास रहेगा। और ये करने के बाद में वो हम लोग नरेगा के अंतर्गत उसका रखरखाव ग्राम पंचायत के माध्यम से करा जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हम लोग के पास जितने भी योजनाएं हैं और जितनी भी स्कीम्स हैं और जितने भी विभाग हैं, इसके अतिरिक्त विभागों को भी टारगेट दिया गया है, तो जितने भी विभाग हैं सबको मिलाकर हम लोग अपने ज़िले में अच्छी उत्तरजीविता के साथ में और प्लानिंग के साथ में वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी, परमा कल्चर नाम की टेक्निक आपने सुनी होगी। परमा कल्चर हम लोग उन एरियाज में ले रहे हैं जहाँ पर पानी की कमी है। तो बेसिकली ये एक आयरनी ही होती है कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पे पेड़ नहीं सर्वाइव कर पाते हैं और सबसे ज़्यादा पेड़ को वहाँ सर्वाइव करना चाहिए ताकि पानी का जो स्तर है उसमें वृद्धि हो। परमाकल्चर में हम लोग अपनी जो बंड बनाने की टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा वेरी कर रहे हैं। हम लोग हाफ मून टाइप का बंड स्ट्रक्चर ले रहे हैं, उसमें हम लोग कई प्रजातियों को साथ में लगा रहे हैं। इसको लगाने से जो उनका बायोमास है उसमें बढ़ोतरी होगी और जो हम लोग बंड बना रहे हैं वो बंड डिज़ाइन ही इसी प्रकार से बना रहे हैं, इंक्लाइंड वे में बना रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे जो भी बारिश का पानी मिल रहा है उसको लंबे समय तक रिटेन कर पाएँ और रिटेन करने के बाद में हम उसकी उत्तरजीविता पेड़ की लंबे समय तक हम लोग उसको दे पाएँ। तो इसी प्रकार से योजनाओं के माध्यम से, कुछ टेक्नोलॉजी अलग करने से, में थोड़ा परिवर्तन करने से और छोटी छोटी चीज़ें करने से, जैसे कि बायो फेंसिंग कर रहे हैं हम लोग, जैसे बैम्बू के बड़े पेड़ लगा रहे हैं जिससे फेंसिंग इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित हो। दूसरा, हर पेड़ के 50 सेंटीमीटर के पास में एक छोटा गड्ढा कर रहे हैं जो एक मटके के रूप में काम कर सकता है और जो बारिश का पानी है वो कुछ समय तक उसमें कलेक्ट हो, वाटर लॉगिंग ना हो इतना डिस्टेंस देखते हुए। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से और एक अच्छी ट्रेनिंग भी करवाई है हम लोगों ने पूरे अमले की, जिससे कि जो प्लांटेशन हो वो ट्रेंड वे में हो और लगाते वक्त जो जनरल दिक्कतें होती हैं या जनरल कमियां रह जाती हैं जिससे भी सर्वाइवल प्रभावित होता है वो हम लोग इस सीजन में प्रयास करेंगे कि ना हो। तो ये पूरा प्लान है। इसका लगभग बजट कितना आने वाला है? इसका कोई बजट तो अतिरिक्त नहीं आ रहा है, ये हमारी एग्जिस्टिंग योजनाओं के अंतर्गत ही हम लोग इसको करेंगे। जैसे नरेगा में हमारे बजट रहते हैं, अन्य योजनाओं में रहते हैं, उसी से हम लोग फिर इसको टेकअप करेंगे। शुरुआती में कितने का टारगेट है जो लगा? हम लोग बहुत टारगेट बेसिस पे तो नहीं चल रहे, लेकिन 1 से 1.5 लाख हम लोग आसानी से लगा लेंगे। इसमें बढ़ोतरी ही होगी हमारी, ये पूरी सभी पंचायतों को मिलाकर होगा। इसके अतिरिक्त जिले में भी सभी लोग लगा रहे हैं, नगर निगम लगा रहा है, विभाग लगा रहा है, तो उनका अपना अतिरिक्त टारगेट होगा। तो हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम लोग उसको टेकअप करें। ये सरकारी जमीन में लगाए जाएंगे या प्राइवेट जमीन में? इसमें मुख्यतः सरकारी ज़मीन में लगाए जाएंगे, लेकिन वाटरशेड में जो हमारे किसान होते हैं उनको भी हम लोग देते हैं पेड़, जो वो अपने उपजाऊ ज़मीन के आसपास मेड़ इत्यादि में भी लगाते हैं, स्पेशली जहाँ पे पानी की बहुत कमी आ रही है। तो 90% उसमें सरकारी ज़मीन पे होंगे, 10% होंगे वो निजी या कम्युनिटी लैंड पे हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं।
कुछ हमारे सार्वजनिक परिसर हो जा रहे हैं, बाजार हो जा रही है, इस प्रकार के भी हमारे एरिया रहेंगे जहाँ लगाएंगे। रख रखाव के लिए भी कोई टीम अलग से बनाई जी? रख रखाव की जो टीम होगी वो पहला तो प्रयास ये होगा कि हम लोग पक्का प्लांटेशन करें ताकि रख रखाव हमारा अच्छा रहे। दूसरा हमारे यहाँ SHG के माध्यम से होता है, हमारे नरेगा में पौध रक्षक बनाए जाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्थाएँ होती हैं जो योजना में ही इन्वॉल्व है, उसी को यूज़ करते हुए रख रखाव के ऊपर फोकस करा जाएगा। तीसरी बात यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल प्लांटेशन पर इस बार ध्यान दे रहे हैं। आशा ये है कि क्योंकि उसकी कॉमर्शियल वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्वतः एक मोटिवेशन होगा कि हम उनको बचा कर रखें और पंचायत भी उनके फिर उत्तर जीविता में सहभागी बने।